हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये बेबी बोटेस लेकर आई हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारा है, और सबसे ख़ास बात ये है फ्रेंड्स, इसको सभी बिगनर्स भी बना सकती, बहुत ही इजी है। आप इजीली इसको एक घंटे में एक पेयर सॉक्स कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो इसके पहले फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, इस कैप को बनाना बताया था। देखिए बहुत इजी है, बहुत ही इजी है ये कैप बनाना, एकदम सिंपल सिंपल डिज़ाइन इस पर बुनाई होती है, कहीं घटाना बढ़ाना नहीं पड़ता है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये डोरी बनानी होती है, डोरी सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो इसी का सेट मैंने देखे यहाँ पे ये बेबी बोटीज़ भी बना दिया है। ये देखिए ये कितना प्यारा है, ये न्यू बॉर्न से लेकर 6 महीने के लिए मैंने बनाया है, 1 ईयर्स के लिए भी आ सकता है, क्योंकि ये गार्टर स्टिच है तो काफ़ी स्ट्रेचबल होता है, यानी उल्टे उल्टे की बुनाई। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें, देखिए बहुत ही प्यारी है। इसको बनाने के बाद फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये डोरी लगाई हुई है, आप सिंगल कलर का भी बना सकते हैं, डोरी यानी इसी कलर का लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसका सेट मुझे बनाना था, तो ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पर डोरी लगा दिया है। तो देखिए ये डोरी लगाने से बहुत ही फ़ायदा होता है, बच्चे को पहना के फिर इस डोरी को बांध सकते हैं ताकि ये पैर से निकले ना। देखिए ये देखिए बैक साइड ऐसे है और फ्रंट साइड कुछ ऐसे बन गया है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस सॉक्स को बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे 46 फंदे लिए हैं, यानी 46 फंदे लिए हैं। ये 6 मंथ से लेके 1 ईयर की बेबी के लिए मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने 46 फंदे लिए हैं। 46 फंदे लेने के बाद हमने यहाँ पे 24 सिलाई की बुनाई की है, दोनों साइड से उल्टे उल्टे की। देखिए 24 सिलाई बुनने के बाद फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पे देखिए 12, ये हमारे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 12 धारियाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 धारी हमारा आएगा। जब हम 24 सिलाई बुनेंगे तो हमारी ये 12 धारी आगे की साइड से भी है और पीछे की साइड से भी है। तो सिंपल सा इसका मेजरमेंट है, आप यहाँ पे 46 फंदे डाल के नॉर्मली फिर आपने यहाँ पे 24 सिलाइयों की निटिंग कर लेनी है, ठीक है। अगर आप लोग बड़ा छोटा बनाना चाहते हैं तो कमेंट करें, छोटा बनाना चाहते हैं तो 46 की जगह आप 44 फंदे रख सकते हैं और यहाँ पे 11 लाइन की नीटिंग करेंगे। ये छोटा है ही न्यू बॉर्न बेबी से लेके, तो इससे छोटा आप ना बनाइए, बनाना है तो आप बड़ा बना सकते हैं 46 की जगह 50 फंदे लेके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो हमने 12 लाइन रखी, आपने 14 लाइन रखी, सिर्फ सिंपल सा इसका मेजरमेंट है। अब हमने क्या करना है, देखिए 12 ये धारी बिनने के बाद, यानी 24 लाइन बिनने के बाद हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फंदे को बाइंड ऑफ करेंगे, यानी फंदे को हम बंद करेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए फंदे कैसे बंद करेंगे, दो फंदे हम यहाँ पे एक साथ बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए दो फंदे को हमने एक साथ बुना, फिर इस फंदे को इस सिलाई पे ले जाएंगे, फंदे को हम देखिए दो फंदे को एक साथ बुना, ज़्यादा आपने टाइट नहीं बंद करना है फंदे को, ना ही ज़्यादा लूज, नॉर्मली आपने बंद करना है। देखिए हमने यहाँ पे 3 फंदे को बंद कर लिया, टोटल हमने यहाँ पे साइड में 10 फंदे को बंद करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 फंदे बंद कर लिए हैं, 4 बाइंड ऑफ करने हैं फंदे को, पांच, 6, 7 10, तो 10 फंदे हमने यहाँ पे बंद कर लिए फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे हमने 10 फंदे बंद कर लिए। अब हम बाकी के फंदे को, जो हमारे बच्चे हैं, इसको हम उल्टा उल्टा पूरी सिलाई बुन लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हम ये बना के पीछे की साइड आ गए हैं, तो पीछे की साइड से भी हमने यहाँ पे 10 फंदे को बंद करना है। जैसे हमने साइड में यहाँ पे 10 फंदे बंद किए, वैसे ही हम पीछे की साइड से भी 10 फंदे को यहाँ पे बंद करेंगे। तो दो फंदे को हमने एक साथ बुना, फिर इस फंदे को इस सिलाई पे लाएंगे हम, और यहाँ पे दो फंदे को एक साथ बनाएंगे। दो फंदे यहाँ पे हमारे कम हो गए, तीन, फिर इस फंदे को इस पे लाएंगे, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ एंड लास्ट 10। 10 फंदे इस साइड भी हमारा बंद हो गया। हमने 10-10 फंदे दोनों साइड से बंद किए हैं। देखिए तो टोटल हमारे यहाँ पे 46 फंदा था। हमने 20 फंदे को बंद कर दिया है साइड साइड से, 10-10 फंदे को। तो अब हमारे 26 फंदे बचे हुए हैं। इन्हीं 26 फंदे को हमने अब बनाना है। इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बना लेते हैं। हम देखिए इतने फंदे को, 26 फंदे को बना के आगे की साइड आ गए हैं। अब एक सिलाई हमने यहाँ पे सभी फंदे को सीधे सीधे बनाना है। तो देखिए, पहले फंदे को हमने एज स्टिच उतार लिया, बाकी के फंदे को हम आगे की साइड से सीधा सीधा बनाएंगे। देखिए, सीधा सीधा बनाने के बाद पीछे की साइड से सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना के हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, पहली रो हम ऐसे सीधा सीधा सभी फंदे को बुन लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड, हमने आगे की साइड से एक सिलाई यहाँ पे सीधे सीधे बुनाई की है, और पीछे की साइड से उल्टा उल्टा बना के फिर हम आगे की साइड आ गए। अब हम यहाँ पे जाली बनाएंगे। जाली हम डोरी डालने के लिए बनाएंगे। तो पहले फंदे को हमने एज स्टिच उतारा और यहाँ पे एक फंदे और हम सीधा बनाएंगे। उसके बाद ऊन को अपनी साइड लाएंगे। यहाँ पे केयरफुली आप लोग देखिएगा, ऊन को अपनी साइड लाने के बाद यहाँ पे हम दो फंदे का एक करेंगे, जाली बना रहे हैं, फिर ऊन को अपनी साइड यहाँ पे दो फंदे को एक करेंगे, ऊन को अपनी साइड लाएंगे। यहाँ पे देखिए, जो हमारा दो फंदे का एक हो रहा है, जब हम ऊन को अपनी तरफ लाएंगे तो यहाँ पे हमारी फंदे बढ़ जा रहे हैं, एक एक फंदे। ऐसे ही हमने ये देखिए, यहाँ पे हम डोरी डालने के लिए जाली बना रहे हैं। बहुत इजी है ये जाली बनाना। उनको अपनी साइड करके और यहाँ पे दो फंदे का एक कर रहे हैं, यानी जितना हमारा घट रहा है वो फंदा हमारा बढ़ भी रहा है, क्योंकि जब हम उनको ऐसे आगे की साइड लाएंगे और यहाँ पे दो फंदे का एक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ गए हैं। लास्ट में दो फंदे, हमने इन दो फंदे को नॉर्मली ऐसे बुन देना है। देखिए, हम पीछे की साइड आ गए हैं। पीछे की साइड से सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे जाली वाले भी फंदे को आपने ध्यान से देखना है। देखिए, इसको उल्टा बनाया। देखिए, ये जाली वाला फंदा हमारा ऐसे, ये देखिए रहेगा, तो इसको भी हमने बुन लेना है। ये जाली वाला देखिए फंदा ऐसे कुछ रहेगा, तो इसको भी हम बना लेंगे। तो सभी फंदे को हम बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ये जाली बन गई है। ये देखिए, डोरी डालने के लिए हमने यहाँ पे जाली बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, आगे की साइड से हम एक फंदे उल्टे सीधे की बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले फंदे को हम सीधा बनाएंगे, उनको अपनी साइड लाएंगे, एक फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, फिर उनको पीछे ले गए और एक फंदे को सीधा बनाया। सीधे उल्टे की हमने यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 इंच की बॉर्डर बनानी है। देखिए, ये ऊपर का पोर्शन बन रहा है, तो यहाँ पे हम बॉर्डर डालेंगे। ऐसे ही हमने ये बॉर्डर बनाना है, एक उल्टे एक सीधे की ऊपर के साइड। चलिए, हम बॉर्डर भी बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इतना बॉर्डर बना लिया है। ये देखिए, आगे की साइड से ऐसे और पीछे की साइड से इतना बन गया है। तो अब हमने क्या करना है, सभी फंदे को हम बंद करेंगे। तो पीछे की साइड से हम फंदे को बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए कैसे,
जैसे अभी हमने साइड साइड में टेन टेन फंदे बंद किए थे, सेम प्रोसेस वही है। देखिए पीछे की साइड से भी हम सभी फंदे को देखिए उल्टा उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सभी फंदे को पीछे की साइड से बंद कर लिया, तो यहाँ पे देखिए फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है, पूरी चैन सी बनती हुई। तो पीछे की साइड से जब आप बंद करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आती है। अब हमने क्या करना है, इसकी सिलाई करना है। सिलाई करने के लिए देखिए हमने सेम कलर का सुई में देखिए ऊन को डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम देखिए जो सीधे की साइड है, जो सीधा ये हमारा सीधा है, तो इसको हम अंदर की साइड करेंगे सिलने के लिए, और उल्टा वाला बाहर की साइड करेंगे। तो हम सिलाई देखिए, करते हैं नॉर्मल आपने सिलाई करनी है, जैसे हम सिलाई करते हैं वैसी हमने करनी है। एक बार हम इस साइड से निकालेंगे धागे को, एक बार इस साइड से। तो ऐसे ही हम ये सिलाई यहाँ से शुरू करके देखिए, यहाँ से हम टॉप से शुरू करके फिर ऐसे सिलेंगे, फिर ये सारे ये और इधर की साइड, यानी हम देखिए यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से सिलाई शुरू करके ये करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे। तो चलिए इतना हम कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसकी सिलाई कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे, इसको हम ऐसे सीधा करेंगे। एक्स्ट्रा धागे को हमने अंदर क्रोशिया की मदद से एडजस्ट कर देना है। देखिए ये हमारा कुछ ऐसे बन के आया है। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स, रात की वजह से भी क्लियर नहीं आ रही है इसकी वीडियो। ये देखिए डिजाइन, ये हमारा ऐसे बन के आया है। देखिए अब हमने क्या करना है, डोरी बनानी है। तो डोरी हम देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले आप लोग को याद होगा हमने एक कैप बनाया हुआ था, तो उसी सेट पे मैं इसको डाल दूंगी, यानी बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि सेम इसी सेट का ही बना देती हूँ, तो मैंने ये पिंक कलर इसमें ज़्यादा कर दिया, यानी वेस्ट कलर कर दिया, और ग्रीन कलर की मैं डोरी बना दूँगी। तो डोरी बनाने के लिए देखिए हमने 3-ply का ऊन लिया हुआ है, इसको हम डोरी बनाने के लिए देखिए डबल कर देंगे, धागे को डबल कर देंगे। यहाँ पे हम डोरी बनाएंगे, पहले एक हम मैजिक लूप लेंगे यहाँ पे, आप धागे का डबल ही डोरी बनाना हो तो डबल करके उनको बनाए, ताकि ये मोटी रहे और अच्छा भी लगे। ये देखिए हमने डबल करके, फिर ये सिर्फ हमने चैन लेते हुए बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये डोरी बना ली हुई है। देखिए तो आप चाहे तो यहाँ पे जो थोड़ा सा फ्लावर बनाते हैं वो बना सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल ही रखा है। तो इसको हम अपने आप फिंगर की सहायता से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सेफ्टी पिन भी ले सकते हैं। ये देखिए एक एक होल से हमने ये निकालते हुए डालना है, जो मैंने यहाँ पे जाली बनाया हुआ था।
उसके अंदर ऐसे हम डाल डाल के निकाल देंगे। देखिए ऐसे हम यहाँ तक निकालते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे डोरी ऐसे डाल ली है, तो या बच्चों को पहना के फिर इसको टाइट कर सकते हैं, इसलिए डोरी बनाया जाता है ताकि ये पैर से निकले ना। तो यहाँ पे देखिए हमने ऐसे बांध दिया, यहाँ पे बो की तरह ये बन के आया है, तो कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत ही प्यारा है। अगर आपने इस कैप को नहीं बनाया है तो इस कैप को भी जल्दी से बना लीजिए, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग भी अच्छी अच्छी डिज़ाइन के सिंपल सिंपल चीज़ें ज़रूर बनाइए। अगर आप लोग चाहते हैं नई नई डिज़ाइन की देखना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।